रियल माद्रिद वर्सेस एटलेटिको माद्रिद के बीच में जो कोपा डेल रे का फुटबॉल मैच होगा, इसका हम इस वीडियो में काफ़ी इन डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप हर एक फैंटेसी मैच का काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर सकते। देखो, वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ पर हम अलग अलग बेसिस पे टॉप प्लेयर्स देखेंगे जो आप अपने ड्रीम टीम में शामिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक स्मॉल लीग की टीम देखेंगे और ग्रैंड लीग के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। वीडियो को आपको लाइक करके स्टार्ट करना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम रियल माद्रिद वर्सेस एटलेटिको माद्रिद का ये जो एनालिसिस है, इसमें रियल माद्रिद की जो टीम है वो आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा फेवरेट रहेगी। आप इनके फेवर में अपनी टीम बना सकते हो और आपको जो एटलेटिको माद्रिद की टीम है वो यहाँ पर थोड़ी सी कंपैरेटिवली टक्कर तो देगी। टीम इतनी भी यहाँ पर हम कहते हैं ना जो एक लूज टीम ये है नहीं। वैसे इनका भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, विनिंग करके आ रही है लगातार 5 मैचेस। तो इस टीम में वो दमखम है जो टक्कर दे सके रियल माद्रिद को। लेकिन अगर आप पूरा देखोगे, कंपेयर करोगे दोनों टीम्स को, तो आपको रियल माद्रिद ही फेवरेट दिखाई देगी। तो हम चलते सीधे सीधे इस मैच का जो एनालिसिस है उसकी तरफ। तो अलग अलग बेसिस पर हम टॉप 5 प्लेयर्स देखेंगे चीट शीट के ऊपर। देखो, ये परफेक्ट लाइनअप का एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप काफ़ी डिटेल में क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो, डिटेल में एनालिसिस भी कर सकते हो और अपनी जो ड्रीम 11 की टीम है वो खुद बना सकते। तो एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। देखो, चीट शीट पे अलग अलग बेसिस पे टॉप 5 प्लेयर्स आप देख सकते हो। टोटल फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे इस मैच में टॉप प्लेयर्स कौन कौन से होने वाले, तो देखो, के बेंजिमा, ए ग्रिजमैन, ये मिलिटाओ, उसके बाद यम लॉरेंटे और ए छर्मो, ये यहाँ पर टॉप 5 प्लेयर्स आपको दिखाई देंगे। ये देखो जो जो टॉप प्लेयर्स, आपको इन्हें सीधे सीधे लॉक कर लेना है अपने टीम में, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीधे सीधे चलते हैं एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे टॉप 5 प्लेयर्स कौन से रहने वाले। तो देखो, इसमें के बेंजिमा का नाम आपको दिखाई देगा, ए ग्रिजमैन, यम हरमो, उसके बाद यस सेविक और ए मिलिटाओ। देखो, ये जो 4 प्लेयर है ऑलरेडी ऊपर भी थे, तो हम यहाँ पर यस सेविक यहाँ पर नए ऐड हो रहे हैं, तो हम इन्हें भी अपने टीम में लॉक कर लेते। देखो, फैंटेसी पॉइंट्स का जो एवरेज है, के बेंजिमा का 63 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, यानी हर एक मैच में 63 फैंटेसी पॉइंट्स आपको एवरेज देते हैं। उसके बाद ए ग्रिजमैन, ए 57 फैंटेसी पॉइंट्स आपको हर एक मैच में एवरेज देते हैं। उसके बाद यम हरमो, ये आपको लगभग 44 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज के साथ ये चलते हैं। उसके बाद यस सेविक, इनका 43 का है, और ये मिलिटाओ का यहाँ पर 39 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। तो ये देखो, ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए बढ़िया पिक होगी, के बेंजिमा और ए ग्रिजमैन, ठीक है। हम यहाँ पर इस सेविक को यहाँ पर लॉक कर लेते, पार्ट ऑफ परफेक्ट लाइन, यानी कौन सा प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली ड्रीम टीम में अपनी जगह बना रहा है। तो देखिए, इसके बेसिस पे के बेंजिमा, ए ग्रिजमैन, टी क्रूस, यम हरमो और यम लॉरेंटे प्लेयर्स आपको दिखाई देंगे। इसमें टी क्रूस का नाम आपको अलग से दिखाई देगा ऐड होते हुए। लास्ट 5 में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुका है, ध्यान में रखना आपको। टी क्रूस को भी हम अपने टीम में ले लेते। तो देखो, हम यहाँ पर अब ये जो रियल माद्रिद की टीम है, इनकी तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं देखेंगे। देखो, यहाँ पर के बेंजिमा, ए मिलिटाओ, टी क्रूस, डी सेबालोस, उसके बाद ये जो प्लेयर है इनका हम पूरा नाम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, चौमेनी, तो ये जो प्लेयर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, टॉप 5 प्लेयर्स में इनका भी नाम आता है, चौमेनी का। तो ठीक है, आप इन्हें अपने टीम में यहाँ पर ले सकते हो। बाकी अब हम यहाँ पर जो मतलब ये जो टीम है इनका, ये जो टॉप 5 प्लेयर्स है वो देख लेते हैं। देखो, एटलेटिको है इस टीम का नाम, ठीक है। देखो, ई ग्रिजमैन, यम हरमो, यस सेविक, जे गिमनेस और यम लॉरेंटे टॉप 5 प्लेयर्स आपको इस मैच में दिखाई देंगे। आप इन्हें भी यहाँ पर लॉक कर सकते हो, इसमें जे गिमनेस का नाम आपको दिखाई देगा, ठीक है, आप इन्हें भी लॉक कर सकते हो। बाकी पोजीशन रैंक के बेसिस पे गोलकीपर में देखो, जे ऑब्लैक आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। अगर आप डिफेंडर में टॉप प्लेयर्स देखोगे तो इसमें डिफेंडर्स में यम हरमो, यस सेविक, ई मिलिटाओ, जे गिमनेज और यन मोलिना, ये टॉप 5 प्लेयर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मिडफील्डर्स में यम लॉरेंटे, टी क्रूज, डी सेबेलोस, ये कोरिया और पी बोरियोस, ये टॉप 5 प्लेयर्स आपको दिखाई देंगे। और अगर आप फॉरवर्ड्स में टॉप 5 प्लेयर्स देखोगे तो के बेंजिमा, ए ग्रिजमैन और वी जूनियर और ए मोराटा, ये टॉप 5 प्लेयर्स है, ठीक है। तो हमने हर एक सेक्शन में टॉप प्लेयर्स देखे। उसके साथ साथ टॉप 20%, देखो ये जो बॉटम 20% है यहाँ पर ख़राब जो परफॉर्मेंस होता है उन प्लेयर्स का, वो आपको यहाँ पर दिखाई देते। तो इन प्लेयर्स को आपको अवॉइड करना है अपने टीम में। इसमें किस किस का नाम है, यस रिगोयलन, उसके बाद यस निग्यूज और यफ मॉन्टेरियो, ठीक है, मॉन्टेरो। और अगर आप प्लेयर्स विद एक्सपेक्टर, यानी कौन से प्लेयर है जो अपने दम पे मैच पलट देते हैं, उसमें के बेंजिमा, ए ग्रिजमैन, यम हरमोसो, यस सेविक और ई मिलिटाओ का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
तो हमने यहाँ पर अलग अलग बेसिस पे टॉप फाइव प्लेयर्स यहाँ पर देखे। अब हम यहाँ पर सीधे सीधे चलते हैं प्लेयर हिट रेट फीचर के ऊपर। देखो आप यहाँ पर जो कौन से भी प्लेयर्स थे जिनके ऊपर आपको डाउट होता है उन्हें कंपेयर कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो फॉरवर्ड पोजीशन है उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड में यहाँ पर जो कंपेयर करना है हमें के बेंजेमा को कंपेयर करना है ये ग्रीजमैन के साथ, ठीक है। दोनों के दोनों टॉप फॉरवर्ड प्लेयर है दोनों टीम्स की तरफ से। तो देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर एक के बेंजेमा, यहाँ पर है ए ग्रीजमैन, ठीक है। तो देखो टोटल फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे के बेंजेमा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की भी बढ़िया पिक होंगी इसलिए हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं। एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे भी के बेंजेमा बाजी मार जाते। वैसे एवरेज टीम रैंक देखोगे आप तो इसमें आपको जो ए ग्रीजमैन है ये इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। गोल्स में यहाँ पर आपको फिर से जो के बेंजेमा है वो इम्पोर्टेंट दिखेंगे। यहाँ पर के बेंजेमा ने 4 गोल्स मारे हैं और ये जो दूसरे प्लेयर इन्होंने सिर्फ एक ही गोल मारा है इसने एक ग्रिजमैन में, ठीक है। उसके बाद असिस्ट में देखोगे तो असिस्ट में आपको यहाँ पर जो ग्रिजमैन है वो आगे दिखाई देंगे और बेंजेमा का सिर्फ एक असिस्ट है। तो यहाँ पर इनका लगभग वाइस वर्सा चलता है गोल्स और असिस्ट का। वैसे गोल्स के पॉइंट ज़्यादा होते हैं असिस्ट से, ठीक है। शॉट्स ऑन टारगेट दोनों के सेम दिखाई देंगे। पासेस कंप्लीटेड तो पासेस में भी दोनों लगभग इक्वली है। चांसेस क्रिएटेड देखो चांसेस यहाँ पर कौन ज़्यादा क्रिएट करता है तो इसमें आपको ग्रीजमैन का नाम दिखाई देगा। टैकल्स वन तो यहाँ पर टैकल भी इन्होंने ग्रीजमैन ने ज़्यादा किए। इंटरसेप्शन तो यहाँ पर है ही नहीं कि बेंजिमा का, बेंजिमा तो यहाँ पर इंटरसेप्शंस में भी यहाँ पर ग्रीजमैन जीत जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुझे के बेंजिमा के साथ कैप्टन से जाना ज़्यादा मंजूर है कंपेयर टू ए ग्रीजमैन, ठीक है। तो ये दोनों हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। हमने इनका जो डाउट था एक सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम चलते चलते सीधे सीधे ग्रैंड लीग की टीम्स की तरफ चलते। देखो हम यहाँ पर एडवांस एनालिसिस का ऑप्शन यूज़ करके अपनी टीम बनाएंगे। तो देखो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि रियल माद्रिद की टीम जीतने वाली। तो हम इनके यहाँ पर अपने टीम में 7 प्लेयर रखेंगे। तो यहाँ पर जो एटलेटिको माद्रिद इनकी और मतलब ऑटोमेटिक 4 प्लेयर आ जाते हैं अगर आप देखोगे तो। ये देखिए आप 4 प्लेयर ऑटोमेटिक उन्होंने पकड़ लिए। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा देखो मुझे लग रहा है इस मैच में 2 गोल्स तो रियल माद्रिद मारेगी ही मारेगी अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो तो। वैसे इनकी जो जब भी मैचेस हुई है तो ज़्यादा हाई स्कोरिंग तो हुई नहीं है। तो आपको एक हम कहते हैं ना बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करनी है। देखो हम यहाँ पर जो फॉरवर्ड सेक्शन है उसमें 3 प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं क्योंकि जो भी वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड है दोनों टीम्स के पास है तो चांसेस रहेंगे कि वो अच्छा ही परफॉर्म करें। मिडफील्डर्स में हम यहाँ पर लगभग 3 प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्लीन शीट होगी तो क्लीन शीट की अगर आपको यहाँ पर मतलब जा रहे हो आप क्लीन शीट के साथ तो आप यहाँ पर 3 ही मिडफील्डर पिकअप करना। 4 आप यहाँ पर फिर डिफेंडर लेके जा सकते हो। हम यहाँ पर फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि क्लीन शीट रखी जाएगी तो यहाँ पर हमने ये कॉम्बिनेशन रखा है, ठीक है। यहाँ पर एटलेटिको माद्रिद 1 गोल तो करेगी ऐसा मुझे लग रहा है। नंबर ऑफ टीम्स हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जितनी चाहे उतनी क्रिएट करो आप। बाकी कुछ प्लेयर्स को हमने यहाँ पर लॉक कर रखा है, ठीक है। वैसे कितने प्लेयर्स को लॉक किया हमने लगभग 8 प्लेयर्स को, ठीक है। हम यहाँ पर अपनी जो टीम है उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो टीम है वो क्रिएट हो रही है परफेक्ट लाइनअप द्वारा। देखो यहाँ पर कुछ हमें प्लेयर्स निकालने पड़ेंगे शायद हमने ज़्यादा ही प्लेयर्स लॉक कर रखे हैं। आप एक लिमिट होती है यहाँ पर प्लेयर्स लॉक करने की, 7-8 प्लेयर्स आप यहाँ पर लॉक करो और एक टीम के अगर आपने ज़्यादा प्लेयर्स लॉक किए तो यहाँ पर टीम बनने में थोड़ी सी दिक्कत आपकी आ सकती है, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को निकाल दिया है। हम जनरल टीम की तरफ चलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर लगा लेते हैं। कॉम्बिनेशन का भी फिल्टर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है तो इसलिए टीम बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देगी। वैसे ये कुछ कॉम्बिनेशन से ग्रैंड लीग के आपके सामने, ठीक है। और हमने टॉप प्लेयर्स भी देखे अलग अलग बेसिस पे तो आपको स्मॉल लीग की टीम बनाने में भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये हमारी कुछ टीम्स आपके सामने बनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप परफेक्ट लाइनअप पे आइए और जो टीम्स से अपनी खुद से बनाइए खुद के लॉजिक का यूज़ करके, ठीक है। बाकी अगर आप और भी डिटेल में जाना चाहते हो तो परफेक्ट लाइनअप का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप जाओ और वहाँ पे आपको इस मैच की जो डेमो टीम है फाइनल टीम है लाइनअप आउट होने का वो भी मिलेगी। देखिए फुटबॉल की जो आमतौर पर स्क्वाड्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। आपको 50-60 प्लेयर्स को यहाँ पर एनालाइज करना होता है और लाइनअप आउट होने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर परफेक्ट लाइनअप पे सिर्फ वही प्लेयर दिखाई देंगे जो यहाँ पर खेल रहे होंगे। यानी आपको सिर्फ 22 प्लेयर्स में से वो 11 प्लेयर चूज़ करने अपने टीम में बजाय इसके कि आप यहाँ पर 50-60 प्लेयर्स को एनालाइज करके बैठो। तो लाइनअप आउट होने के बाद फुटबॉल की टीम जो है वो ज़्यादा सटीकता से आप बना सकते। तो ध्यान में रखना आपको लाइनअप आउट होने के बाद परफेक्ट लाइनअप पे आना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखो इस वीडियो को हम समअप करते हैं। ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशंस आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। आप इन टीम्स को यहाँ पर किसी भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म के साथ मतलब खेल सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना ये डेमो टीम्स से मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपनी खुद की टीम्स के साथ जाइए। कॉपी पेस्ट कभी मत किया कीजिए, ठीक
ठीक है। बाकी चलो, आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।